Good morning, students. How are you? Hope everyone is safe and sound. So today our topic is maths. Maths एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी प्रीवियस क्लास में इसको पहले आपने नहीं सीखा ना इसके बारे में आप जानते हैं. सो दिस इज अ रिवीजन फॉर यू. सो मैट्स क्या होते हैं और व्हाट डू यू नो बाय मैट्स? मैट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस. दिस आइडिया वॉज गिवन बाय आर्थर केले एंड एन इंग्लिश मैथमेटिशियन नेम्ड क्यूलिस ऑफ 19th सेंचुरी. ये वो दो मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी में इसका आइडिया दिया था, लेकिन दे फर्स्ट पुट थ्योरी ऑफ मैट्स इन 1858. सो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हुज प्लूरल इज मैट्स. मैट्रिक्स जिसका प्लूरल क्या है? मैट्स है. इज अ rectangular array of numbers, symbols or expressions arranged in rows and columns, then enclosed by brackets. ये एक rectangular array है. ये जो number, ये जो इसकी तरतीब है rectangular array है, फिर इनको एक bracket में enclosed कर दिया जाता है. Then they form a matrix. फिर ये एक matrix बना देते हैं. So the other one is entity of matrix. The next topic is entity of matrix. Entity of matrix क्या होता है? Entity mean वजूद. Entity mean वजूद, के matrix का वजूद क्या होता है? अगर हम देखें तो ये matrix A given है हमें, जिसमें हमारे पास ये elements हैं 1, 2, 3, 2, 0, 4, -1, 3, 2. In matrix A, the entries presented in horizontal way आर कॉल्ड रोज. वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखी जाती हैं इनको हम कहते हैं रोज, R1, R2, R3. तो अगर हम देखें तो देर आर थ्री रोज इन मैट्रिक्स ए. सिमिलरली अनदर मैट्रिक्स गिवन, मैट्रिक्स बी, उसमें भी हमारे पास ये एंट्रीज दी गई हैं. एंड इन मैट्रिक्स बी ऑल एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे. इन मैट्रिक्स ए दे रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, लेकिन यहां पर ये वर्टिकल वे में हमें दी गई हैं. और वर्टिकल वे में जो एंट्रीज होती हैं दे आर कॉल्ड कॉलम्स. इन एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? कॉलम्स, C1, C2, C3. सो देर आर थ्री कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी. नाउ द नेक्स्ट इज order of matrix. Our next topic is order of matrix. So student, you also know that you should know, aap padh chuke hain pehle isko, previous hum kar chuke hain. ye to ek revision hai hamare liye. To the number of rows and columns in a given matrix specify the order. So suppose we have a matrix M, ye iske elements hain, to isme number of rows kitni hai? Agar hum dekhe number of rows kitni hai, R1 R2, number of rows 2. And if we observe number of columns कितने हैं हमारे पास, C1, C2 and C3, and number of columns are 3, then order of matrix is denoted by this 2 by 3. Number of rows 2 and number of columns are 3. Always put number of rows first and then number of columns at the end. So it's mean it has 2 rows and 3 columns. So students, there is a activity for you. Write the order of the following matrices. ये कुछ matrices आपको दिए गए हैं, इनके आपने order जो है वो लिखने हैं. So write your activity in your neat copies. Thank you.